अस्सलाम वालेकुम। रिसेंटली मैंने अपने फेसबुक प्रोफाइल के ऊपर एक पोस्ट शेयर की थी जिसमें मैंने बताया था कि किस तरह से फोटोशॉप जनरेटिव फिल को यूज़ करते हुए मैंने फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इमेज जनरेट की थी विद टू प्रॉम्प्ट्स। मतलब टू प्रॉम्प्ट्स के अलावा मैंने कुछ नहीं किया था। बहुत सारे लोगों ने नीचे कमेंट किया था कि इसका एक ट्यूटोरियल होना चाहिए, तो आई थॉट इसके ऊपर एक मैं कॉम्प्रिहेंसिव ट्यूटोरियल जो है वो बना दूं। तो यहाँ पे मैंने एक फोटोशॉप इसके लिए आपको ज़रूर चाहिए होगा, मेरे पास सब्सक्रिप्शन है, आप सब्सक्रिप्शन परचेज कर सकते हो। क्रैक वर्जन्स के अंदर ये जनरेटिव फिल नहीं चलता क्योंकि क्लाउड बेस्ड एक प्रोग्राम है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक न्यू डॉक्यूमेंट ले लें या आप अपने पिक्चर को डायरेक्टली इसके अंदर ओपन कर लें। एक चीज़ मैं आपको क्लियरली बता दूं, सारी जो गेम है वो प्रॉम्प्ट्स जिनको हम कहते हैं या कमांड्स हम जिनको कहते हैं उनकी है सारी गेम। कमांड्स या प्रॉम्प्ट्स अगर आपके अच्छे हैं तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, अगर वो अच्छे नहीं है तो बड़ा अजीब सा भी काम हो सकता है क्योंकि ये AI है। सो मैं यहाँ पे इसको सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट देने लगा हूँ, सिंपल सी प्रॉम्प्ट, प्रोफेशनल ड्रेसिंग। ठीक है, लेट्स सी हाउ इट गोज। इट विल टेक अ फ्यू सेकेंड्स और अ मिनट एज वेल, उसके बाद आपको रिजल्ट्स देगा, रिजल्ट्स में भी वेरिएशंस देगा। आप चूज कर सकते हैं कि आपने कौन से वाला वेरिएशन जो है वो रखना है, या तीनों नहीं रखने तो दोबारा से प्रॉम्प्ट दी जा सकती है इसको। याद रखें सिलेक्शन और प्रॉम्प्ट बहुत ज्यादा मैटर करती हैं, समटाइम बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, समटाइम सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट नहीं मिलते। सो इनमें से मुझे कोई भी जो इसने मुझे ऑप्शंस दिए थे, मुझे कोई भी ऑप्शन पसंद नहीं आया। मैं इसको एक दफा फिर से ट्राई करूंगा एंड जनरेटिव फिल में जाएंगे एंड हियर आई टाइप प्रोफेशनल ड्रेसिंग। जब मैंने पहले जो इमेज मैंने पोस्ट की थी उसका जो रिजल्ट आया था वो बहुत ही बेहतरीन था और फर्स्ट गो में बहुत बेहतरीन रिजल्ट आया था। आई एम नॉट श्योर कि यहाँ पे मुझे कितने ट्राइज जो है इसके लिए लेने पड़ेंगे, लेकिन क्योंकि AI है तो हमें थोड़ा सा तो प्रॉम्प्ट के साथ प्ले करना पड़ेगा क्रिएटिवली। आई होप सो सेकेंड ट्राई के अंदर जो है वो बहुत अच्छा जाएगा ये। या लुक्स गुड, मतलब अभी के लिहाज से मुझे ठीक लग रहा है, थोड़ा सा एडजस्टमेंट की जा सकती है फर्दर, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है अभी के लिए। ठीक है, बॉडी की थोड़ी सी एडजस्टमेंट आप खुद से कर सकते हैं। और यहाँ पे आपने क्या करना है, सेकंड जो प्रॉम्प्ट है वो मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको जो है आप इसके साथ मर्ज कर दें, और सेकेंडली आप रिमूव बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक करेंगे क्योंकि हमें इसका बैकग्राउंड जो है वो थोड़ा सा रिमूव चाहिए। बैकग्राउंड रिमूव्ड होगा तभी हम इसका बैकग्राउंड जो है वो रिप्लेस कर पाएंगे। ओके, यहाँ पे मैं एक न्यू लेयर ले लेता हूँ और हम क्या करेंगे यहाँ पे, इसको इसके बैक पे ले आते हैं। ठीक है, सिलेक्शन जो है वो हम बना लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आप लेयर मास्क जो है उसको अप्लाई कर दें। अब आप सिलेक्शन बना लें जो भी आपने सिलेक्शन बनानी है, एंड थोड़ा सा फाइन ट्यून अगर आप करना चाहें तो आप इसको कर सकते हैं। इरेजर में जाके आप इसको थोड़ा सा फाइन ट्यून कर सकते हैं इफ इफ यू वांट टू। अगर आपकी जो पिक्चर है वो बहुत अच्छी रेजोल्यूशन के अंदर है तो यू डोंट नीड टू डू दिस, और आप एक सिलेक्शन बना लें। ठीक है, ओके, आप जाएंगे दोबारा से जनरेटिव फिल में और यहाँ पे आप टाइप करेंगे प्रोफेशनल बैकग्राउंड और आप एंटर प्रेस कर देंगे। इट विल टेक अ फ्यू सेकेंड्स। तो कुछ बैकग्राउंड्स इसने मुझे प्रोवाइड किए हैं जिसमें से मुझे ये वाला कुछ बेटर लग रहा है। क्रॉपिंग जो है वो हमें थोड़ी सी और करनी पड़ेगी, और थोड़ा सा बॉडी को आप अपने मर्जी के मुताबिक जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। सो एंटर प्रेस करेंगे। अब बॉडी को एडजस्ट करने के लिए आप लिक्विफाई टूल का यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली ये एक ट्यूटोरियल था कि जनरेटिव फिल को किस तरह से आपने यूज करना है, प्रॉम्प्ट के साथ प्ले करके आपको इस तरह के रिजल्ट्स भी मिल सकते हैं जिस तरह के रिजल्ट्स मुझे इस पिक्चर के अंदर मिले थे, एंड आई वॉज वेरी सरप्राइज, इतने अच्छे रिजल्ट्स। सो कीप ट्राइंग, प्रॉम्प्ट्स के साथ प्ले करते रहें, आपको कुछ इस तरह के रिजल्ट्स मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।